Hi dear students, I am N.K. Mehra, your English trainer, and this is English Part 8 video of Silent Letters A to Z to improve your reading and writing skills. So let's start. Yes, K silent letter की condition की अगर बात करते हैं तो देखते हैं K letter हमारा कब pronounce नहीं करेंगे, कब ये silent होता है. अगर किसी word में K के just बाद N आता है, ठीक है, तो ये हमारा K साइलेंट होगा. मैंने बताया किसी वर्ड में के बाद अगर एन आता है, के बाद एन आता है तो हमारा ये के साइलेंट होगा. ठीक है, देखते हैं एग्जांपल्स. कंडीशन मैंने बताई के बाद एन आएगा तो के साइलेंट रहेगा. यस, फर्स्ट वर्ड इज नो, के बाद एन आया तो ये के हमारा साइलेंट होगा. ऐसे ही नॉट, नॉट में भी के बाद एन आ रहा है फिर साइलेंट हो गया के हमारा. यस, नाइफ, नाइफ में भी के साइलेंट है, के बाद एन आया है. जब भी के बाद एन आएगा तो के साइलेंट होगा. ऐसे ही दिस इज नाइट, नाइट में भी हमारा के साइलेंट है. यस, नॉक, नॉक में भी हमारा के साइलेंट होगा. ठीक है, यस, नॉलेज, देखो नॉलेज में भी सेम वही कंडीशन है, के बाद एन, ये हमारा के बाद एन आ रहा है तो ये के हमारा साइलेंट हो गया, तो ये बन गया हमारा नॉलेज. नी, नी के अंदर भी के बाद एन आया है फिर के साइलेंट है. यस, नैप, नैप में भी के साइलेंट होगा हमारा. यस, नॉब, नॉब में भी के साइलेंट है. तो सभी के अंदर के बाद एन आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ये के साइलेंट होगा. निट, निट में भी हमारा के साइलेंट है, ठीक है, एन की वजह से. यस, लास्ट वन इज यस, यहाँ भी के साइलेंट है, जैसे पढ़ेंगे हम लोग नेल. ठीक है, यस, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ठीक है, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.